दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। और इस वक्त की बड़ी खबर है रीवा से, जहां झाड़ फूंक करने के नाम पर एक बार फिर दरिंदगी का मामला सामने आया है। युवक ने झाड़ फूंक करने के बहाने दुष्कर्म किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो कुड़ थाना क्षेत्र से है, जहां एक बार फिर दरिंदगी का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि झाड़ फूंक करने के नाम पर प्रदीप तिवारी नाम के युवक ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी पीड़िता ने परिजनों को दी, जिसके बाद थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई गई। आपको बता दें कि हाल में ही गुड़ थाना क्षेत्र के रहने वाले कथावाचक सीताराम के द्वारा सर्किट हाउस में किशोरी के साथ दुष्कर्म किया गया था, जिसकी जांच अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। इसके बाद फिर से गुड़ थाना क्षेत्र के बदवार निवासी प्रदीप तिवारी नाम के युवक झाड़ फूंक के बहाने किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देना बताया गया है। बताया जाता है कि घटना रात की है। फिलहाल पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश कर रही है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर है गुड़ थाना क्षेत्र से, जहां एक बार फिर झाड़ फूंक के नाम पर किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस प्रशासन अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर अभियान चला तो रही है, लेकिन मामा के बुलडोजर का कोई असर दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जहाँ एक बार कथावाचक ने किशोरी को हवस का शिकार बनाया, तो वहीं झाड़ फूंक के नाम पर युवक ने दरिंदगी की है। राजवाटिका विवाह घर, सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओत प्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, झूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।